दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एयरक्राफ्ट के टी टेल और एस टेल सेक्शंस के बारे में और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आज स्टूडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं टी टेल के बारे में। टी टेल एक तरह का स्टेबलाइजिंग कॉन्फिगरेशन है जिसमें टेल को फिन के ऊपर प्लेस किया जाता है। ए टेल दिखने में लेटर टी की तरह दिखता है, इसीलिए इसे टी टेल कहते हैं। कुछ कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इस टी टेल को देखने को मिलेगा। कुछ टी टेल में इंजन को टेल सेक्शन में फिट किया जाता है। तो अब देखते हैं टी टेल की एडवांटेजेस के बारे में। टेल प्लेन को विंग और फ्यूजलेस से दूर प्लेस किया जाता है, इससे प्लेन को डिस्टर्बेंस रेजिस्ट कर सकता है। इसकी वजह से प्लेन एलिवेटर के साथ स्मूथ और फास्ट एयर फ्लो को प्रोवाइड करता है। टी टेल पिच कंट्रोल को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ये कंट्रोल सरफेस को प्रोपेलर से दूर रखता है। टी टेल हाई परफॉर्मेंस एरोडायनामिक्स को प्रोवाइड करता है। टी टेल इंड्यूस्ड ड्रैग को रिड्यूस करता है, इसीलिए ग्लाइडर्स के लिए सुटेबल है। इस इंड्यूस्ड ड्रैग की वजह से रूडर्स ज्यादा इफेक्टिव होता है और एक टर्बुलेंस को भी रिड्यूस करता है। तो अब देखते हैं टी टेल की डिसएडवांटेजेस के बारे में। टी टेल के हाई एंगल ऑफ अटैक की वजह से एयरक्राफ्ट अपना पिच कंट्रोल को लूज कर सकता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर कंसिडरेबली स्ट्रांग बनाना पड़ता है क्योंकि टी टेल हाई फोर्स को जनरेट करता है। टी टेल कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ग्राउंड क्रू मेंबर इसे कंप्लीटली इंस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सरफेस होता है। टी टेल बहुत ही हेवीयर होता है, इसीलिए विंग साइज को इंक्रीज करना पड़ता है। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए टेल को फिन से थोड़ा दूर प्लेस किया जाता है। तो अब देखते हैं एच टेल के बारे में। एच टेल एक तरह का वर्टिकल स्टेबलाइजर अरेंजमेंट होता है। इसमें दो वर्टिकल स्टेबलाइजर को हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के एंड पे वर्टिकली प्लेस किया जाता है और ये दिखने में लेटर एच की तरह दिखता है। एच टेल को ट्विन टेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं एच टेल के एडवांटेजेस के बारे में। कंट्रोल सरफेस को सेपरेट करने की वजह से एडिशनल रूडर एरिया को प्रोवाइड करता है। कुछ एच टेल एयरक्राफ्ट में मल्टी इंजन प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से लो एयर स्पीड पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में एच टेल एयरक्राफ्ट के वेट को भी रिड्यूस करता है। अगर एक टेल डैमेज हुआ तो दूसरा टेल प्रॉपरली फंक्शन करता है। इससे एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एयरप्लेन आसानी से फ्लाई होता है। तो अब देखते हैं एच टेल की डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये एच टेल कॉन्फ़िगरेशन कैनार्ड एयरक्राफ्ट में सुटेबल नहीं होता, वहाँ पर डैमेजेस का चांसेस हाई होता है। कुछ एयरक्राफ्ट में डबल ट्विन का इस्तेमाल करते हैं, इससे शायद प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलता है लेकिन इसका वेट भी इंक्रीज होता है। डबल ट्विन का मतलब होता है फोर वर्टिकल स्टेबलाइजर, इससे वेट इंक्रीज हो सकता है। एच टेल को कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली कैरियर बेस्ड नेवी और मिलिट्री में इस्तेमाल होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस में लॉन्च होते हैं। इस एच टेल कॉन्फ़िगरेशन को कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये था टी टेल और एच टेल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।